बहुत से चीजों में इनके सॉन्ग्स हैं। इनसे हमारी मुलाकात लखनऊ में गोमती नगर ऑफिस में हुई थी और उस दिन कुछ इनकम टैक्स का मैटर था जो हमारे साथ बैठे हुए थे, जिसके कारण से 4-5 घंटा इनके बैठने के बाद भी हम 5 मिनट का समय दे पाए थे। और इसी एंथम सॉन्ग जो आपका बजा है, इसी के बारे में बात हुई थी इनसे। 19 क्या, इनसे हमारी मुलाकात दूसरी हुई 22 अगस्त 2023 में एंथम सॉन्ग के साथ में। फाइनल हुआ 23 तारीख को एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ। एंटरटेनमेंट की यहीं से शुरू होने की बीच उत्पन्न हुआ। जर्नी को इस तरह से प्रेजेंट किया गया और मैं बहुत चंद खुशकिस्मत लोगों में से अपने आप को गिनने लगा हूँ कि मुझे इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया। हमारी जर्नी कभी फूलों के रास्ते पे चली, कभी कांटों के रास्ते पे चली। बहुत सारे तजुर्बे, अनुभव, चेहरे मुझे मिले और उस पर चलने का हमने प्रयास किया। वैसे तो संगीत के क्षेत्र में बॉलीवुड में जो शुरुआत हुई वो सही मायने में 2003 में पहली फिल्म आई थी हॉलीवुड मूवी माई बॉलीवुड ब्राइड। उसके बाद में जो एक बड़ी पहचान मिली वो थी फिल्म चांद के पार चलो, आप सभी ने देखी होगी फिल्म। और उसके बाद से काफी काम करने का बॉलीवुड में मौका मिला। लेकिन सही मायने में आज हम जो सबके साथ काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे फिल्म निर्माता, बहुत सारे संगीत प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, लेकिन जो प्यार और अपनापन सर हमारे हेमंत जी के साथ मिल रहा है वो सच में एक अपनापन है, परिवार के जैसा हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। गणेश गायकों ने उर्फ नवाजुद्दीन सॉरी रे नवाज, मैं तेरे को पहचाना नहीं। अरे तू एक बात बोलना, अरे तू ये म्यूजिक काय को बंद किया? बोले बाबा वो श्रेया गुप्ता कंपनीज का चेयरमैन है ना, वो आए अपने को बोले कि साले अपने को कोई कोरोना नाम का बीमारी ने घेर लिया है। श्रेया एंटरटेनमेंट आप लोगों को पहले से भी पता होगा 19 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 19 अगस्त 2023 से। और पहला हम लोगों का एल्बम जो रिलीज हुआ वो अक्टूबर के महीने, तो अक्टूबर से 6 महीने जो सफर था, मार्च क्लोजिंग चल रहा है। उस सफर में हमें दो लिरिक्स यानी दो हीरे मिले थे। एक थे हमारे पंछी जी जो शुरुआत से हैं, बीच में फिर आपसे भी मुलाकात हुई विष्णु नारायण, ये दोनों लोगों ने मिल करके 23 गाने जो हमारे पास अब तक रिलीज हो चुके हैं इन्हीं दोनों लोगों के सहयोग से। और 23 गाने 6 महीने के अंदर बहुत होता है एल्बम के। और दो मूवी हमारी शूट पे है और एक मूवी बहुत जल्द ही रिलीज भी होने जा रही है। दो मूवी जो आपका शूट पे है, एक लालच प्यार एक धोखा और इसका दुबला। और जो मूवी रेडी हो चुका है रिलीज के लिए, बस सेंसर का वेट हो रहा है, वो द हाफ मून। एल्बम तो आपको 2300 का लिस्ट अगर चाहिए तो आप ले लीजिएगा, ठीक है।
और ये सफर जो हमें तय किए उसमें खट्टे मीठे अनुभव भी यहाँ के मिले, लेकिन जो भी मिला सीख दिया और एक अच्छे तरह से क्लोज कर रहे हैं 6 महीने को, और आने वाले समय में अप्रैल से इससे भी तेजी स्पीड होगी। अगर 6 महीने का देखा जाए तो 6×24 लगभग 4 गाने हर महीने, तो अब 8 का टारगेट रखा जाएगा। जी रमन जी से जो हमारा अभी जो हम लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं, सच बताओ हमने इंडस्ट्री में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे जो फिल्म निर्माता हैं या म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, बट हेमंत जी जैसा जो व्यक्तित्व के जो धनी हैं और मुझे सच बताओ अभी तक कोई मिला नहीं। और बहुत अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं, एक अच्छी टीम है, मंची जी हमारे साथ में हैं और पूरी टीम बड़े अच्छे से काम कर रही है, और मतलब आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ क्रिएशन करते हैं और उस क्रिएशन को अंजाम दिया जाता है, और बहुत जल्दी बहुत सारे गाने फिल्में वगैरह जो है आप लोगों के बीच में होंगी, और कुछ अलग कुछ कंटेंट लेके जो ऑडियंस को अच्छा लगे हम लोग वो बनाते हैं। मैं तो ये कहूँगा और हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है कि श्रेया एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े। सबसे बड़ी बात काम करना नहीं होता है, काम तो हम रहते हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हेमंत सर क्या आप लोगों को जो क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है, जो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का ये जो मौका देते हैं, और इनके छोटे छोटे से जो क्रिएटिव इनपुट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत बूस्ट का काम करते हैं, हम और आगे कुछ कर दिखाने के लायक बना पाते हैं अपने आप को। तो हम लोग सिर्फ इनके मार्गदर्शन पे चल के कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, और सॉन्ग अभी आप लोग सुनेंगे उसमें आप लोग बताइएगा कि हमारी ये कोशिश है, ये प्रयास कैसा था। मुझे इस कंपनी में ज्वाइन हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बट मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है एंटरटेनमेंट टीम को लेके, कि यहाँ पे मॉडर्न चीज़ें और ट्रेडिशन दोनों को साथ में लेके जाए, जैसे कि मॉडर्न में आपके सॉन्ग्स हो गए और ट्रेडिशन में ड्रेस, तो ये दो चीज़ों का जो एक कंपैटिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हर एक चीज़ के लिए होती है, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। फ्यूचर प्लान कुछ एपिसोड टाइप का, 7-8 एपिसोड का एक प्लानिंग चल रही है, वेब सीरीज है, एक हॉरर मूवी भी, थिएटर मूवी है, और बाकी चीजें तो हर महीने फंक्शन होता है, कुछ न कुछ अपडेट आपको मिलता रहेगा, फिलहाल का अपडेट यही है। एक हाफ मून जो हाफ मिड लेंथ मूवी है 1 hour 5 minutes, उसने ऑलरेडी 5 या 6 इंटरनेशनल अवार्ड गेन किए जो श्रेया एंटरटेनमेंट पैनल से अब बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। मेरा सबसे आग्रह है कि वो फिल्म स्ट्रीम करें, देखें और अपना फीडबैक जरूर दें। ये हमारे 3 BMD हैं, कहाँ गए विक्रम जी? मेरा नाम पी तातैया, सब प्रथम से है हेमंत सर से मई 2020 अगस्त से है, इनसे मिलके काफी कुछ अनुभव मिला है, बहुत अच्छा रॉयल इंसान है, बाकी सब ये इतना ही कहना चाहता हूँ। सर आगे जी। मैं, मेरा नाम महेश है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, और उस सर के साथ जो सफ़र है मेरा कम से कम 5 या 6 साल हो गया, जिस सफ़र हमने स्टार्ट किए थे और छोटी सी थी, आज लेकिन बहुत आगे तक पहुँच गए, ये इतने जल्दी हम इतने ऊपर तक पहुँचेगा करके हमारा यकीन नहीं था, लेकिन उस सर का मेहनत है, जो काम करने का तरीका है कुछ अलग चीज़ है, उनका साथ हम काम कर रहे हैं, हम बहुत खुश रहते हैं इसके साथ, क्योंकि इसलिए हम इतना दूर से भी कहीं भी प्रोग्राम हो हमेशा इनके साथ रह रहे हैं, पहले से आगे से भी रहेंगे और इस कंपनी का और आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। चलो आज के बारे में सब दे ही नहीं बताने के हमारे पास कि ये कैसे इंसान है, इनके बारे में जानने के लिए आप बहुत सारे इंटरव्यू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं गूगल पे पर जाके। इस सर ने इस कंपनी को जो शुरुआत किया था वो छोटा परिवार था, आज इतना बड़ा हमारा परिवार और हो चुका है कि घर में अगर 10-10 होते हैं, 4 बच्चे होते हैं तो घर वाले परेशान रहते हैं, बहुत बड़ा परिवार अलग कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन सर ने इतना बड़ा परिवार बनाया हुआ है और सबका ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते हुए भी इस मुकाम तक कंपनी को लेकर आ रखे हैं,
ये अनबिलीवेबल। और सर का तारीफ में तो हमारे पास शब्द ही नहीं है, इसमें हम आगे क्या कहें। थैंक यू मैम। हे एवरीवन, आई एम संचना मिश्रा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, मैं श्रेया एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हूँ, श्रेया फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ बता नहीं सकती हूँ। और जैसे कि हमारे हेमंत सर बहुत अच्छे इंसान हैं और सभी को चांस देते हैं, हमारे यूपी में बहुत सारे आर्टिस्टों को मौका मिलने वाला है, जो कि ये प्लेटफॉर्म हर किसी को नहीं मिलता है। तो आई होप सभी लोग ज्वाइन होंगे हमारे साथ, जो भी टैलेंट है हम उसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। थैंक यू। सर के बारे में अभी इतना इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि अभी मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है। और मेरे बारे में, मेरी सर से मुलाकात थ्रू फेसबुक हुई थी। लाइक ये एक कंपनी में ये भी थे जिसके थ्रू मैं जुड़ना चाहता था, तो इन उसके लिए मैंने फेसबुक से इनको बुक किया टेक्स्ट के। आफ्टर दैट वी कोलैब टुगेदर एंड वी केम इन लाइक टू एस्टैब्लिश इन आवर ओन कंपनी। फिर हमने वो किया, उसके बाद चलते चलते अभी हमें 4 साल हो गए। अभी हम धीरे धीरे जहाँ तक बढ़ रहे हैं, अभी हम और बढ़ेंगे। इनके बारे में एक चीज़ और बता दें, श्रेया ग्रुप जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग के दूसरे मेंबर हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू श्रेया ग्रुप कंपनीज। बड़ी कमाल की बात है कि 6 महीने में 6 कंपनियां लॉन्च कर दी और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं लोगों से भी मिला, जिस तरह से यहाँ पर काम चला, जिस तरह से अलग अलग जो उन्होंने इंडस्ट्रीज पर अपने काम कर रहे हैं और जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि अपने, पहली बात तो कोई इतना अच्छी तरीके से प्रगति कर रहा, चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से स्ट्रेट जा रही हैं, अच्छी होकर जा रही हैं। तो मैं बहुत ढेर सारी उनको बधाइयाँ देता हूँ और ढेर सारी विशेष देता हूँ, कंग्रेचुलेट करता हूँ कि जब मैं अगली बार जब लौट गया हूँ तो 6 की जगह 66 हो जाए, यानी कि 66 कंपनियाँ हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है कृति वर्मा। मैं कहना चाहूंगी कि जो उनका सफर है वो हम सबके सामने है। He has reached heights in his career. He has done wonderful job. And आज का इवेंट भी बहुत rocking है। I feel blessed that I have been chosen as a celebrity dance performer here. So event is very good. Audience is amazing. And उनका career तो माशाल्लाह बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहा है। Yes, there have been so many music videos which have already been released and abhi mera trending number 1 pe chal raha hai, Gujjar Haryane ka Instagram pe number 1 trending pe hai and there are upcoming, there's a web series going on Bhootmate on Alt, it's already streaming, me and Manana Chopra are the lead in it and then there is Dhamra Hindi movie which is about to release next month, fingers crossed. Manana ka birthday bhi aaj. Acha, haan, oh happy birthday, happy birthday to her, yeah.